इन फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रूस यूक्रेन जंग के बीच जापानी पीएम पहुंचे भारत, पीएम मोदी से इन मुद्दों पर हुई चर्चा। जापान के पीएम भारत की दो दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने यहां पर पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा दो दिनों की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापानी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत की। इस देश में चूजों की आई शामत, 50 लाख से ज्यादा को किया जाएगा कत्ल। अमेरिका के आयोवा राज्य में बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने 50 लाख से अधिक चूजों को मारने का फैसला किया है। इनमें बड़ी संख्या में टर्की भी शामिल है। कोरोना वायरस के कम होते मामलों के बीच बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अमेरिका में बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू के नए मामले सामने आने के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका में आयोवा प्रांत में 50 लाख से अधिक चूजों को मार डाला जाएगा। आयोवा प्रांत के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। वहां 50 लाख से अधिक चूजों को मार डाला जाएगा। बर्ड फ्लू का यह मामला डी मोइन के उत्तर पश्चिम में करीब 160 मील की दूरी पर बुएना विस्टा काउंटी में एवियन इन्फ्लुएंजा का दूसरा पॉजिटिव मामला है। यहां करीब 53 लाख चूजे संक्रमित पाए गए हैं। पहला मामला एक ऐसे फार्म से आया था जहां करीब 50,000 टर्की पक्षी थे। प्रांत के कृषि विभाग द्वारा सत्यापित इस मामले का मतलब है कि कम से कम 8 प्रांतों में करीब 1,26,00,000 मुर्गियों, चूजों और टर्की पक्षियों को मार दिया गया है या शीघ्र ही उन्हें मार दिया जाएगा। पंजाब कैबिनेट की पहली बैठक में आपके चुनावी वादे पर मोहर, बेरोजगारों को 25,000 सरकारी नौकरियों की सौगात। मान मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरों को बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल कराया गया है। 3 दिन पहले ही भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गाँव में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भगवंत मान सरकार का दूसरा बड़ा फैसला, पंजाब के युवाओं के लिए उठाया है कदम। पंजाब में भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल की शनिवार को पहली बैठक हुई। इस बैठक में युवाओं के हित में बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया गया है। पंजाब में भगवंत मान सरकार के मंत्रिमंडल की शनिवार को पहली बैठक हुई। इस बैठक में राज्य में खाली चल रहे 25,000 पदों को तुरंत भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी गई है। ये पद विभिन्न बोर्ड, कॉरपोरेशन और सरकारी दफ्तरों में खाली पड़े हैं। मंत्रिमंडल ने 3 महीने का वोट ऑन अकाउंट लेने का फैसला किया है। यह भी फैसला लिया गया है कि पंजाब का सालाना बजट जून महीने में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को भी मंजूरी दे दी है। रूसी सेना ने यूक्रेन की मिलिट्री बैरक में सोए हुए सैनिकों पर बरसाए बम, दर्जनों सैनिकों की मौत। रूसी सेना ने जब धावा बोला उस वक्त करीब 200 सैनिक सैन्य छावनी में सोए हुए थे। यूक्रेनी सेना के एक सैनिक का कहना है कि कम से कम 50 लाशें वहां से निकाली गई हैं। यूक्रेन पर रूसी हमला दिनों दिन तेज होता जा रहा है। रूसी सेना ने शुक्रवार सुबह अचानक ही दक्षिण यूक्रेन के में मिलिट्री बैरक पर हमला बोला, जिसमें दर्जनों सैनिकों की मौत की खबर है। एक यूक्रेनी सैनिक ने बताया कि शुक्रवार तड़के ही रूसी सेना ने धावा बोला था। उस वक्त करीब 200 सैनिक सैन्य छावनी में सोए हुए थे। यह हमला दक्षिणी यूक्रेन के माइकोलोलिव शहर में हुआ था। बचाव अभियान के दौरान प्रत्यक्षदर्शी ने घटना से जुड़ी जानकारी दी। उसका कहना है कि कितने अन्य सैनिक वहां मलबे के नीचे दफन हो गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक अन्य सैनिक ने कहा कि इस बमबारी में कम से कम 100 सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।